और ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं, इनको तो मैंने मेरे साथ तो सीखे हैं ये, और सिखाया है मैंने, और मैंने तो हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ा है। हमारा यही प्रयास है अधिकारियों से कि सुनवाई हो तो जनता को परेशानी ना हो। मंत्री जी, आपने एक ट्वीट किया अधूरी लड़ाई की ओर, इसके बाद उदय भी उस पर बयानबाजी कर रहे हैं कि इस तरह पहले भी लड़ाई लड़ते रहे हैं, समाजवादी पीछे नहीं रहे हैं, लोग मिले हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो मैंने ट्वीट किया है क्या गलत किया है? जो मुझे दिखा है वही तो किया है, जो मुझे दिखा है वही तो मैंने किया है। और ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं, इनको तो मैंने मेरे साथ तो सीखे हैं ये, और सिखाया है मैंने, और मैंने तो हमेशा जनता की लड़ाई को लड़ा है। अब्दुल्ला आजम ने भी चेतावनी दी है कि अपनी हदें लांघे ना उन लोगों को। तो मैंने पहले ही आपसे बोले ही दिया है कि बहुत छोटे लोग हैं, इनका नाम क्यों बार बार लेते हैं? समाजवादी पार्टी ने आजम खान की लड़ाई आपने पहले भी कहा नहीं लड़ी है पूरी तरह से, नाई दर्शन हो आजम खान। तो वो तो मैंने लिखा ही दिया है, पढ़ लिया है ट्वीट है, तो मैंने कोई भी गलत थोड़े लिखा है। आपको समझना चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए। आपकी तरफ से अब कोई इनके लिए कोई लड़ाई, इनके लिए इनके पास जो इनके न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो न्याय की बात हो रही है? तो पहले भी कहा मैंने कि लड़ाई लड़ना चाहिए। अब समाजवादी पार्टी पैदल यात्रा निकाल रही है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आपकी किस तरह से आगे? तो उसकी बात हमसे क्यों करते हो, हमारी बात करो। नहीं, ये कहा गया है कि हमारे पास देखिए देखिए हम लोग 15 अगस्त को 22 साल से यात्रा निकाल रहे हैं, 22 साल से यात्रा निकाल रहे, 15 अगस्त को फिर निकल रही है हमारी यात्रा है। और हम तो कहेंगे कि उस दिन झंडा है जो राष्ट्रीय झंडा है अपना, घर घर पहुंचे। तिरंगा यात्रा को लेकर कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सरकार इस पे दंगे करा सकती है। देखे राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व को हमेशा पूरे देश के लोगों ने मनाया है, फिर मनाएंगे। और हमारी तो अपील है कि ये राष्ट्रीय पर्व फिर से सब लोग मनाएं और घर घर राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाएं। आपका सदस्यता अभियान आपकी पार्टी का बहुत जल्दी चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा।